हेलो गाइस, गाइस दिस इज अतील, वेलकम टू रिएक्शन रील्स। और आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, चला मैंने नहीं किया मुझे बोलने का। हेलो गाइस, दिस इज अतील, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्शन रील्स। और आज जो हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो साउथ की एक मूवी है। वैसे तो साउथ की बहुत ज़्यादा मूवीज आ रही हैं आजकल, मुझे तो लग रहा है बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ की मूवीज अच्छी आ रही हैं। तो जो साउथ की मूवी आज हम लेकर आए हैं उसका नाम है एजेंट। तो मुझे तो, मैं आजकल जो साउथ की मूवीज़ मैंने ट्रेलर वगैरह देखे हैं, जो यानी कि आजकल आपको पता ही होगा ट्रेंडिंग पे वही जा रही हैं, उनकी मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही हैं। पहले से तो वो केले से जो मार रहे होते थे और इधर उधर फनी सी फाइट होती थी उसके अंदर, लेकिन अब जो चीज़ें उनकी आ रही हैं ना, वाकई वो बॉलीवुड का ना क्रॉस करके निकल रहे हैं आगे। तो मुझे इसका जो दोस्तों वगैरह ने भी बताया था, तो मैंने कहा चलो इस पर रिएक्ट करते हैं। सुनने में आया कि ये बड़ी जालिम सी उन्होंने मूवी बनाई है, तो देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं इनका टीज़र, उसके बाद फिर बाकी बातें करेंगे। चलें जी। प्ले करते हैं। अच्छा जी, तो ये था जी टीज़र। तो मैं वही बात दोबारा कहूँगा कि इनकी ना वाकई अब जो पिक्चर क्वालिटी, म्यूज़िक और लोकेशंस जो इनकी आ गए ना, इन लोगों ने वाकई, इन्होंने लोगों ने तैयार कर लिया है कि ये बॉलीवुड को वाकई अब क्रॉस करेंगे। पिक्चराइजेशन इस तरह की कर रहे हैं, लोकेशंस ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं ये, और दूसरा एक्टिंग तो इन पे वैसे ही ख़त्म है। क्योंकि मैंने जितनी देखी हैं अभी तक साउथ की मूवीज़ वगैरह, उनमें जो एक्टिंग है ना इनकी, वो वाकई बहुत अच्छी है बॉलीवुड वालों से, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि इनके कई नाम ऐसे हैं जो वाकई, जैसा वो है रजनीकांत सर, ठीक है, उनको हर बंदा मानता है। क्यों, उस टाइम एक पिक्चराइजेशन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब है, ठीक है। तो अब इनके करेक्टर्स और इनके जो हीरो वगैरह हैं, जो एरिया यूज़ करते हैं, वो ख़ास तौर पर पिक्चराइजेशन जो इनकी है वो बहुत ही ज़ालिम किस्म की। अभी तो टीज़र है, छोटा सा है, जब पूरा इनका ट्रेलर इस मूवी का आएगा उस पर रिएक्ट करेंगे तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा देखने का। जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है कि ये जो है, जो अब पता नहीं ये हीरो है विलन है कौन है, मुझे तो इनका नाम भी नहीं है पता कि क्या है, क्योंकि नाम जो मेरे पास आ रहे हैं, अखिल हैं, सुरेंद्र रेड्डी है और अनिल है। अब मुझे नहीं पता इनमें से ये कौन है जो भी है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, इनको पकड़ने के लिए सारा वो गेम प्लान हो रहा है इसके अंदर, लेकिन ये पकड़े नहीं जा रहे हैं और कोई गवाह भी नहीं है इनके खिलाफ। तो बाकी मूवी देख के असल में पता लगेगा, और आगे का जो ट्रेलर आएगा जो थोड़ा बड़ा होगा, जिसमें थोड़ा बहुत पता लगेगा, वो देख के पता लगेगा कि आखिर है क्या इसमें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो वही लास्ट, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि नया नया चैनल है, हम भी ग्रो करें थोड़ा, वीडियोस अच्छी अच्छी बनाएं, कोशिश करें अच्छी बनाने की।
और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम वीडियोस इंशाल्लाह रोज़ रोज़ डालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए हमारी वीडियो आ रही है, तक आप आराम सकून से देख पाएँ। तो तब तक के लिए